नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। आज एक छोटा सा टॉपिक है जो 2-4 मिनट का है, उसको देख लेते हैं। रिवर बेसिन। एक्चुअली रिवर बेसिन होता क्या है कि जितनी एरिया में नदी बहती है, हम यहाँ देखते हैं कि गंगा नदी यहाँ से लेके ये एरिया में बह रही है, तो यहाँ लिखा है गंगा, है ना। ये गंगा नदी का रिवर बेसिन है जो उसका अपवाहित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को नदी अपवाहित करती है, यानी जिस नदी को, जिससे गंगा नदी को यहाँ से इस क्षेत्र से पूरा जल मिल रहा है, तो ये गंगा नदी का बेसिन हो गया। तो इसमें दो टर्म आते हैं। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, एक आता है वाटर शेड, WATER, वाटर, SHED, SHED, वाटर शेड होता है। एक वाटर शेड होता है जो कि छोटी नदियों का होता है, जैसे पूर्व की ओर गिरने वाली छोटी नदियाँ और पश्चिम की ओर गिरने वाली छोटी नदियों में वाटर शेड को हम बोल सकते हैं, उनके रिवर बेसिन को। और जो बड़ी नदियाँ हैं उनको हम रिवर बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन उसको बोलते हैं। तो बड़ी नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब इनका रिवर बेसिन है। तो ये नदी द्रोणी जो है दो टाइप की हो गई, एक वाटर शेड जो छोटी नदियों की और बड़ी नदियों की के रिवर बेसिन को रिवर बेसिन बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। बड़ी नदियों में गंगा नदी का अपवाह तंत्र आप देख रहे हैं, बड़ा है, सबसे बड़ा है, रिवर बेसिन सबसे बड़ा है। उसके बाद में इंडस का है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र यानी गोदावरी का तीसरा नंबर आता है ऐसे तो, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। तो ये सभी का ही यहाँ पे अलग अलग नदियों का रिवर बेसिन दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बहती है, तभी आपको रिवर बेसिन के बारे में आइडिया हो जाएगा। अगर रिवर बेसिन के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सभी नदियों का रिवर बेसिन आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ आप इंडस का देखिए, फिर लूनी और अदर्स जितनी भी नदियाँ हैं जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात को अपवाहित करती है और अरब सागर में गिरती है, ये नदियों का। फिर यहाँ साबरमती, माही, उसके बाद में नर्मदा, फिर तापी, फिर यहाँ कृष्णा, फिर यहाँ कावेरी और यहाँ पेनार, उसके बाद में यहाँ गोदावरी, महानदी और यहाँ ब्राह्मणी, वेतरणी और सुवर्णरेखा, फिर यहाँ पे हुगली और दामोदर वाला, जो ये गंगा की सहायक नदियाँ मानी जाती है, इसलिए गंगा में ही इसी को दिखाया गया। फिर यहाँ बराक और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से बराक नदी निकलती है और ये आगे मेघना होती है और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये एक 2-3 मिनट का एक टॉपिक था रिवर बेसिन, जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि रिवर बेसिन कैसा होता है और किस चीज़ को हम रिवर बेसिन बोलते हैं, किसको हम वाटर शेड बोलते हैं। यानी अगर हम जहाँ पर नदी बहती है, ये पूरा एरिया वो नदी का बेसिन है, ये नदी यहाँ बह रही है, इसकी ये सहायक नदियाँ, ये नदी की द्रोणी कहलाती है, ये उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यानी पूरा एरिया जिसको नदी अपवाहित कर रही है, और समग्र रूप से बोलें तो उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं, CATCH, कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो छोटी नदी तो रिवर वाटर सेट, बड़ी नदी तो रिवर बेसिन, समग्र रूप से कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था रिवर बेसिन पे, जो पिछले टॉपिक में कवर नहीं हो पाया वो हमने यहाँ आपको समझाया। धन्यवाद। रिवर बेसिन टॉपिक पढ़ने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है रिवर रेजाइम, यानी नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी बहाव प्रवृत्ति क्या होती है, ये डेफिनेशन देखते हैं कि एक नदी के चैनल में वर्ष भर जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है या रिवर रेजाइम कहते हैं। यानी कोई भी एक नदी है, उस नदी के चैनल में, जैसे हमने कोई भी नदी ली कि ये एक रिवर है, इस रिवर में पूरे साल यानी वर्ष भर कितना जल का प्रवाह होता है, इसमें कितने क्यूसेक पानी आता है, इस रिवर में कितना, इसमें पानी में भराव रहता है, इसके प्रवाह में कितना पानी का प्रवाह होता है, वो इसका रिवर रेजाइम कहलाता है, यानी नदी
प्रवाह नदी बहाव प्रवृत्ति इसकी कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि मानसून जब आता है तो जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय अपना भारत है, इसमें नर्मदा, फिर तापी, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जितनी भी नदियां हैं, महानदी, तो ये सब नदियां, इनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और जो हिमालय की नदियां हैं उनमें भी बारिश के आने से पानी की मात्रा बढ़ती है। तो यही एक चीज़ है कि नदी के चैनल में वर्ष भर जल प्रवाह कितना रहा, उसका क्या प्रारूप है, उस प्रारूप को हम क्या बोलते हैं, रिवर रेजाइम सिस्टम। जैसे हम गंगा नदी का उदाहरण लेते हैं कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है और अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी तब उसमें पानी का प्रवाह तेज हो जाता है। सितंबर के बाद में प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बारिश चली जाएगी भारत देश से, भारत जैसे सूरज जो अपना जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जैसे जैसे पहले थार के मरुस्थल में से होकर और मैदान में ITCZ बनता है, तो हिंद महासागर की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, नमीयुक्त हवाएं खींच के इसकी तरफ जाती है और भारत में बारिश का दौर शुरू हो जाता है। तो जैसे जब सूरज वापस जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाता है, वैसे वैसे ITCZ दक्षिण की तरफ खिसकता जाता है और बारिश की मात्रा जो है भारत में कम होती जाती है और दक्षिण की तरफ खिसकती जाती है। यही रीजन है कि सब भारत की सभी नदियों में बारिश जैसे जैसे बारिश से दूर होती जाएगी नदी का जलस्तर कम होता जाता है। गंगा नदी द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नज़र आते हैं, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो जो पश्चिमी भाग है उसमें नदी में जल का दौर जो है बढ़ जाता है और बर्फ जैसे जैसे बर्फ़ पिघल के पानी के रूप में नदी में आती रहेगी, जल स्तर उसका बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि मानसून आने से पहले जल का स्तर जो है बढ़ जाता है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर और फरक्का तक, जो फरक्का ये पॉइंट आ गया बांग्लादेश वाला, जहाँ उसके बाद में जो गंगा नदी जो है या बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो ये फरक्का वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर अधिकतम जल प्रवाह देखें गंगा नदी का तो 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। यानी 55,000 से लेके अगर हम अधिकतम देखें तो कितना, 55,000 क्यूसेक, और मिनिमम कितना रहता है, 1300 क्यूसेक उसमें जल भराव रहता है। और अन्य नदियों की बात करें तो जैसे हम ये तो हिमालय की नदी की बात किए थे हम, तो अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो उनमें रोचक अंतर प्रस्तुत करती है वो नदियाँ, कि नर्मदा नदी में जल विसर्जन का जो स्तर रहता है वो जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम दिखता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, क्योंकि इस नदी में जो है, जो हमारी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर बनौज के नदी अपना मुहाना बनाती है, यह अमरकंटक की पहाड़ी है और ये ब्रंस घाटी में बहती जाती है। तो जब इसमें बारिश होती है तब इस घाटी में जब बारिश होती है तो इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, और पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण ये अचानक जो है उफान में आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। तो जैसे जैसे अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में तुरंत इसकी जो है पानी का जो लेवल है, जल स्तर जो है इसका एकदम से गिर जाता है। तो इसका अधिकतम बाव क्षेत्र यानी नर्मदा का जो बाव क्षेत्र रहता है अधिकतम अगस्त के महीने में वो 2300 क्यूसेक के लगभग रहता है और न्यूनतम बाव क्षेत्र 1500 क्यूसेक आ जाता है। यानी कहाँ 2300 अब हम बात कर रहे हैं और कहाँ 1500 के आसपास इसका बाव क्षेत्र आ जाता है। वैसे ही गोदावरी नदी की बात करें तो पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन जो है
3200 क्यूसेक रहता है और न्यूनतम 50 क्यूसेक। तो ये जो आंकड़े हैं वो नदी बहाव प्रवृत्ति या प्रवाह प्रवृत्ति को इंगित करते हैं कि कैसे कैसे पानी का जल स्तर बढ़ता है मानसून आने से, और मानसून जाने के बाद में कि एकदम से कैसे ही पानी का स्तर जो है कम हो जाता है। अभी हम दूसरा हमारा पॉइंट देखते हैं, वाटर डिस्चार्ज यूनिट यानी जल विसर्जन माप। तो जल का जो आयतन नदी में बढ़ता है उस आयतन को हम एक माप के द्वारा इंगित करते हैं। वो दो माप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक माप यहाँ लिखा है क्यूसेक, दूसरा लिखा है क्यूमेक्स। तो जो क्यूसेक होता है उसको क्यूबिक फुट पर सेकंड में मापते हैं कि एक एक सेकंड में कितना फीट पानी नदी के बेसिन में आया, यानी नदी के जल प्रवाह का कितना हिस्सा बढ़ा ऊपर, कितने फीट बढ़ा पर सेकंड के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं क्यूसेक। सेक यानी सेकेंड हो गया, क्यूसेक पर फिट, फिट पर सेकेंड। फिर दूसरा है क्यूमैक्स, इसमें क्या होता है, इसमें मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। मैक्स एम एम से मीटर मानो, है ना, इसमें हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यानी कितने मीटर पानी का जल बहाव ऊपर चढ़ा यानी जल स्तर ऊपर चढ़ा, ये इसको क्यूमैक्स में मापते हैं। तो ये दो इकाई हो गई जल विसर्जन माप में। जल विसर्जन नदी में सामान्य समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। ये वाटर डिस्चार्ज जो है, जल विसर्जन हम किसको बोलते हैं कि समय समय पर जो नदी के जल में कितना जल का आयतन कितना है, नदी नदी के का जल का आयतन कितना है, उसे हम जल विसर्जन कहते हैं। तो उसकी दो इकाई हमने यहाँ देखी, क्यूसेक और क्यूमैक्स। अब अगला टॉपिक हमारा है नदी जल उपयोग की सीमा और समस्याएं, यानी जो हमारा नदी का जल है उसको उसका उपयोग करने में हमें किन किन कौन कौन सी सीमाएं हैं कि हम उपयोग नहीं कर पाते। तो हम पहला हम पॉइंट देखते हैं कि बहुत सारी नदियां जो हैं बारहमासी है, तो हम उनके जल का उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत में हमेशा कर सकते हैं। परंतु कुछ नदियाँ जो मौसमी नदियाँ होती हैं उनका उपयोग हम बारिश के मौसम में जल स्टोर करके यूज कर सकते हैं। अगर जल भंडारण की सुविधा हमारे पास नहीं है तो उनका जल व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है और उसको हम बिना रोके यूज नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ हमें पता लगता है कि हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता है, और जल प्रबंधन हम अपनाकर हम बाढ़ और सूखे से बच सकते हैं। और एक किसी नदी की द्रोणी में अधिक पानी रहता है, किसी नदी की द्रोणी जो है सूख जाती है, ये भी एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। ये भी एक सीमा है जो नदी जल उपयोग की सीमा में के अंतर्गत हम मापते हैं। और कहीं कहीं नदी में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आ जाती है और आसपास का एरिया जो है जलमग्न हो जाता है और वो पानी जो है किसी काम नहीं आता। इसलिए जगह जगह बांध बना के भी अगर बांध को एकदम से खोल दिया जाएगा तभी वो बहुत सारा पानी जाकर बाढ़ ला सकता है। तो ये भी एक नदी जल उपयोग की सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं समस्याएं। तो नदी जल उपयोग में निम्नलिखित समस्याएं कर सकते हैं। तो इनमें पॉइंट वन आप देखिए कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होना, यानी किसी नदी में कोई भी नदी है उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, हम उसके जल का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंचाई के लिए जितना पानी चाहिए उतना नदी में पानी नहीं है। दूसरा, नदी जल प्रदूषण। बहुत सारे कल कारखानों द्वारा नदी में वेस्टेज छोड़कर नदी के जल को दूषित कर दिया जाता है और यही कारण है कि नदी का जल ना तो पीने योग्य रहता है और ना ही फसल की सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। दूसरा, नदी जल में गाद। अगर नदी पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत अधिक मात्रा में गाद, मिट्टी, कंकड़ पत्थर ला रही है तो वैसे जल का उपयोग भी हम अपने पीने में या सिंचाई में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में गाद मिली हुई है। और ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, यानी जल कभी अधिक तेजी से आ जाएगा और कभी कम मात्रा में आएगा, तो उस कारण भी हम उस जल का उपयोग
नहीं कर सकते। और बहुत सारा जो है विवाद चलता रहता है नदियों के ऊपर, जैसे कृष्णा नदी जल विवाद, कावेरी जल विवाद। तो हर एक स्टेट बोलता है कि या इस नदी का पानी मुझे चाहिए, दूसरा स्टेट बोलता है कि मुझे चाहिए। तो इसके कारण भी उस नदी के जल का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। जो नदी जो है एक धारा में नहीं होकर बहुत सारी धाराओं में बटी रहती है। तो जो मध्य धारा की ओर अगर ज़्यादा बस्तियां अगर फैल जाएगी, उनका बसावट वहाँ पे हो जाएगा, तो उस कारण जो नदी की वाहिकाएं हैं, जो छोटी वाहिकाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और सूख जाएगी, और नदी का जल उन वाहिकाओं तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हमारे दो तीन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।